हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब योर फेवरेट क्लोथ्स। इस क्यू कार्ड में हमने जीन्स के बारे में बात की है। अगर आप चाहो तो इसे एक बार दोबारा सुन के इन फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ क्यू कार्ड को कनेक्ट कर सकते हो। आपके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें एग्जाम में किस प्रकार के फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आपके क्यू कार्ड में जो भी आइडिया डिस्कस करोगे उसी में से कुछ वर्ड्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स या फिर कोई आइडियाज उठा के आपको एग्जामिनर पार्ट 3 के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज मैंने आपके लिए जो फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स प्रिपेयर किए हैं वो मुझे लगता है कि शायद इस क्यू कार्ड के कनेक्शन में आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को खरीदना है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। इस बुक में 1 to 78 के सारे क्यू कार्ड्स हैं और उनके फॉलोअप क्वेश्चंस भी हैं। चलिए 1 by 1 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझेंगे। डू यू थिंक क्लोथ्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर सेल्फ इमेज? क्या आपको लगता है कि हमारी खुद के बारे में जो इमेज होती है उसमें कपड़ों का, यानी हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उसका कोई रोल है या फिर ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? एब्सोल्युटली, व्हाट वी वेयर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन आवर माइंडसेट्स। इफ वी लाइक व्हाट वी वेयर एंड फील गुड इन आवर अटायर, वी हैव अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड वाइस वर्सा। ज़रूर से हम जो पहनते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, उसकी हमारे मन पे बहुत स्ट्रॉन्ग असर होती है। अगर हम जो भी पहनते हैं वो हमें पसंद है और हम अगर हमारे अटायर में यानी हमारे कपड़ों में अच्छा फील करते हैं तो फिर हमारी जो सेल्फ इमेज होती है खुद के बारे में वो पॉजिटिव हो जाती है। और अगर हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमें नहीं पसंद, हमें उसमें अच्छी फीलिंग नहीं आती है, तो हम खुद के बारे में एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई डू पीपल वेयर ब्रांडेड एंड डिजाइनर क्लोथ्स? आपकी राय से लोग ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़े क्यों पहनते हैं? इट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस एंड अफोर्डेबिलिटी। ये खुद की पसंद की बात है और अफोर्डेबिलिटी की भी बात है, यानी हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं कि हम कितने महंगे कपड़े खरीद सकते हैं। रिच पीपल वेयर इट टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड्स एंड डिग्निटी। पैसे वाले लोग ब्रांडेड कपड़े उनके स्टैंडर्ड्स और उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए पहनते हैं। सम वेयर इट बिकॉज दे लव इट, सम डू इट इन कंपैरिजन। कुछ लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो ऐसे कपड़ों को पसंद करते हैं और कुछ लोग दूसरों के साथ अपनी तुलना करने में ऐसे कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद होम डू यू शॉप फॉर क्लोथ्स? आप कपड़ों की शॉपिंग किसके साथ करते हो? आई प्रीफर टू गो विद माई पेरेंट्स एंड समटाइम्स आई गो अलोन। मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना पसंद करता हूँ, कभी कभी मैं अकेला भी जाता हूँ। आप ऐसा भी कह सकते हो, आई प्रीफर टू गो विद माई फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स गिव मी फ्रैंक फीडबैक एंड कैन ऑल्सो गाइड मी इफ आई एम बाइंग समथिंग अननेसेसरी। मेरे पेरेंट्स मुझे फ्रैंक फीडबैक देंगे, यानी सच्चा फीडबैक देंगे, और अगर उनको लगता है कि मैं कुछ बेफिजूल की शॉपिंग कर रहा हूँ तो वो मुझे उस मामले में गाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। How much do people spend on clothes? आपके हिसाब से लोग कपड़ों पे कितने पैसे खर्च करते हैं? I am not sure, but I guess that most of the people might be spending 5 to 7% of their income on clothes. मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अपनी जो इनकम है उसमें से 5 to 7% प्रतिशत पैसे वो कपड़ों के लिए खर्च करते होंगे। वी नीड टू वेयर क्लोथ्स डेली एंड दैट टू ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। हमें कपड़े रोज पहनने पड़ते हैं और अलग अलग ओकेजन्स पे हमें अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वुड यू रिपीट क्लोथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स? क्या आप अलग अलग ओकेजन्स पे कपड़े रिपीट करोगे, यानी वही कपड़े पहनोगे? येस, वाई नॉट, जी हाँ क्यों नहीं। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ या फिर कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ। I believe in high thinking and simple living. मैं ऊंची सोच और सरल जीवन में मानता हूँ। I would not mind wearing my favorite clothes again and again. मैं मेरे जो मनपसंद कपड़े हैं उन्हें बार बार पहनने में मुझे कोई भी झिझक महसूस नहीं होगी। So friends, ये जो follow up questions है उसका जो main cue card है जिसमें हमने jeans pant के बारे में बात की है, उसकी link आपके लिए description box में है और यहाँ पे screen पे भी आप उसके link देख सकते हो, ताकि आप उसे एक बार दोबारा सुन के questions के साथ connect कर सको। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न आते हैं जो आपको लगता है कि शायद आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क मी दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।